नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं सिंपलटैक्स सपोर्ट चैनल। आपने भी यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो देख रखी होंगी जिसमें बताया जा रहा होगा कि आपके जो चैनल है वो बंद हो जाएगा, आपकी जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हैं वो हटा ली जाएंगी यूट्यूब की तरफ से। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूट्यूब ही पूरी तरह से बंद हो जाएगा, आर्टिकल 13 जो आने वाला है। तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए जिससे आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। एक्चुअली बहुत सारी वीडियो हमें देखने को मिलती है तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आर्टिकल 13 है क्या, क्या ये वास्तव में इंडिया में लागू होगा, क्या हमारी भी वीडियो है वो हट जाएगी यूट्यूब से, क्या हमें भी ऐसा कोई भी कॉन्टेंट यूज नहीं करना है जिसमें कॉपीराइट कॉन्टेंट हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके चीज बताऊंगा कि आर्टिकल 13 है क्या आखिर और इंडिया पर ये कैसे प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ जो है उसमें 28 देश आते हैं और वो मिलके कानून को बनाते हैं। काफ़ी सारे कानून उन्होंने बनाए हैं, उसमें से एक है आपका आर्टिकल 13 जो कॉपीराइट से रिलेटेड है। उन्होंने ये कहा है कि फर्दर अब जो भी वीडियो अपलोड होंगी या जो भी वीडियो बनाई जाएंगी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, उस पर कॉपीराइट कॉन्टेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक भी कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, मान के चलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं किसी की इमेज दिखा देता हूँ, तो मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब पर। ऐसा आर्टिकल 13 में कहा गया है और यूरोपियन स्टेट्स जितने भी मतलब मेंबर स्टेट्स हैं, हालांकि वो कंट्रीज होती हैं, उनमें ये लागू हो जाएगा पूरी तरीके से। अब एक्चुअली इसमें है क्या प्रॉब्लम, कहाँ पर आ रही है प्रॉब्लम? ये आ रही है कि यूट्यूब पर हालांकि कॉपीराइट जो कंटेंट है वो हम अभी भी अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन यूट्यूब की जो टर्म्स एंड कंडीशन वो ये कहती है कि आप जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है या फिर आपकी वीडियो हटा ली जाती है। इस कानून के आने के बाद ये कहा गया है कि आप कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाओगे जिसमें कोई भी कॉपीराइट कंटेंट होगा। अगर वो वीडियो अपलोड हो जाती है तो ये जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की होगी। जैसे मान के चलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेरा एक इमेज है, मान के चलिए टेक्निकल गुरुजी का मैंने कोई इमेज ले लिया और इस वाली वीडियो में लगा दिया और मैंने जी अपलोड कर दी, और अपलोड करने के बाद अगर टेक्निकल गुरुजी मुझे स्ट्राइक देते हैं तो प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब की जिम्मेदारी होगी इसका जवाब दे कि आखिर ये वीडियो अपलोड कैसे हुई। यहाँ पर यूट्यूब को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एक्चुअली क्या है, उसका जो भी AI सिस्टम है यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग है वो ये करता है कि वो पता तो कर लेता है कि भाई इसमें कोई भी कॉपीराइट कंटेंट है या नहीं, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाता कि जो बंदे ने यूज़ करी है इमेज वो फेयर यूज में आती है या फिर कॉपीराइट कंटेंट है। तो अगर वो यही अगर सेपरेशन नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर उसको दिक्कत हो जाती है, और मैनुअली ये हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक वीडियो को चेक करा जाए और उसमें देखा जाए कि कोई भी कॉपीराइट कंटेंट है या नहीं। अब भाई काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भाई इंडिया में ये आ सकता है या इंडिया के लोगों को ये परेशान कर सकता है। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आर्टिकल 13 अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ या अप्रूव्ड नहीं हुआ। पास तो जी सितंबर में हो गया था, अप्रूव्ड अभी नहीं हुआ, और अप्रूव्ड 100% हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, जैसे यानी कि दिसंबर लास्ट तक, 15 दिसंबर लास्ट या जनवरी तक ये 100% अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि जो कमेटी इसको पास कर रही है वो पूरी तरह से फेवर में है आर्टिकल 13 के। और यूरोपियन कंट्रीज जो 28 देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूनियन है, जो वो ही इसके दायरे में आ रहे हैं अभी। ऐसा नहीं है कि भाई एशियन कंट्रीज जैसे कि हमारे इंडियाज वगैरह हैं जो इस दायरे में आए। अभी जितने भी लोग हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मतलब 28 जो कंट्रीज हैं उनमें अगर रह रहे होंगे उनको ये प्रॉब्लम आएगी, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस जो भी यूनियन है यूरोपियन यूनियन उसमें आते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा यूरोप जोन जिसमें करेंसी यूरो चलती है, तो वहाँ पर जितने भी कंट्रीज आते हैं, लगभग 19 कंट्री ऐसी जिसमें यूरो चलती है, तो वो यूरो जोन कहलाती है। यूरोपियन यूनियन वो है जिसमें 28 कंट्री मिलकर कोई भी फैसला लेते हैं, उनकी पूरी पूरी एक कमेटी है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा है जो भी इस यूनियन में आते होंगे यानी कि इस 28 देशों में आते होंगे, उनको तो प्रॉब्लम 100% होने ही वाली है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे चैनल हैं जो मान के चलिए किसी का आप रोस्टिंग भी कर रहे हो, किसी का आप कॉन्टेंट भी ले रहे हो, आप किसी फोन के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहुत ही सख्त कानून ये आने वाला है, इसलिए YouTube परेशान है, और YouTube इसलिए भी परेशान है कि भाई YouTube की अब जिम्मेदारी होगी, अगर मान के चलिए कोई वीडियो अपलोड होती है तो स्ट्राइक मिलेगी YouTube को। अब बात है इंडिया में ये क्या इफेक्ट कर सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये यूनियन यूरोपियन यूनियन में ही लागू होगा तो इंडिया में अभी जी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली ये इफेक्ट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई भी बड़े यूट्यूबर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो पूरे वर्ल्ड वाइड देखी जाती है, और उनकी अगर वीडियो किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर देखी जा रही है तो वहाँ पर अगर उन्होंने कोई कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ कराया तो उनकी वीडियो नहीं दिखाई जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ेगा इंडिया में। इंडिया में अभी ये इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि आप अपनी वीडियो को अपलोड ही नहीं कर पाओगे या फिर आपकी जो वीडियो है वो उठा ली जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई आर्टिकल 13 इंडिया में भी है,
देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आर्टिकल 13 जो यूरोपियन यूनियन का है वो है आपका कॉपीराइट से रिलेटेड। इंडिया में जो कॉपीराइट से रिलेटेड कानून है वो बहुत अलग है। इंडिया में आर्टिकल 13 पहले से है और वो आर्टिकल 13 जो है वो कॉपीराइट का नहीं है, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स का और वो बिल्कुल सेपरेट है। आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे या फिर जो पता होगा आर्टिकल संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर नॉलेज रखते होंगे उनको पता होगा कि आर्टिकल 13 बिल्कुल भी नहीं है भाई कॉपीराइट से रिलेटेड इंडिया वाला, वो है आपका अलग से, वो फंडामेंटल राइट्स का है। जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था उससे पहले काफ़ी सारे कानून थे, तो उसको फिल्टर आउट करना और हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके अकॉर्डिंग नए कानून वगैरह बनाना, तो वो हमारा आर्टिकल 13 में आता है। आर्टिकल 13 हमारा जो इंडिया वाला है वो कॉपीराइट वाला नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग सर्च करने लगे हैं आर्टिकल 13 के बारे में और इंडिया वाला पढ़ने लगे हैं, तो भूल नहीं करना है। अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको पढ़ना है, तो आप गूगल पर डाल सकते हैं यूट्यूब आर्टिकल 13, आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि भाई आर्टिकल 13 आगे आने के वाला है और कब तक ये आ जाएगा। तो ये 100% न्यूज़ तो बिल्कुल पक्की है कि भाई आर्टिकल 13 है वो लागू हो जाएगा और दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक ये 100% आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएगा। इंडिया में ये अभी डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इंडिया में ना ही एशियन कंट्रीज़ में। ठीक है, और ये इफेक्ट तो करेगा लेकिन अभी हाल ही में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि भाई आपकी जो चैनल है उसको डिलीट कर देगा, कुछ भी कर दे। ठीक है, अभी आप इंडिया में काम करते रहिए, फोकस करिए अपने कॉन्टेंट पर और किसी भी तरह की कोई भी बहकावे वाली वीडियो पर आप बिल्कुल भी मत जाइए। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े और वीडियोज़ वगैरह देखी, तब जाके मैं ये आपको बात बता रहा हूँ और ये बिल्कुल 100% ट्रुथ है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।